रिचार्ज रिचार्ज है क्या? मैं आपको हर भाषण में सुन रहा हूँ, रिचार्ज दिल्ली का छोटा अभी रिचार्ज। लंबी बहस हो जाएगी, टाइम खराब होगा। नहीं नहीं समय है, नहीं नहीं और बड़ा फैक्टर है। नहीं, 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 जनता समझ रही है, जो मुस्कुरा रही है। देखिए, ये समझ चुकी, आप नहीं समझे, चलिए आप भी मुस्कुरा। मैं समझ गया, लेकिन वो मैं कहूं आप उनको छोटा रिचार्ज कह सकते हैं, मैं थोड़ी कह सकता हूं। आप मत कहिए ना, हम कह रहे हैं, आप कहां कह रहे हैं। छोटा रिचार्ज का मतलब क्या? अच्छा, रिचार्ज भी छोटा ना बड़ा? छोटा छोटा कैसे? अरे भाई, वो बड़ा तो बीजेपी है, छोटा है। आम आदमी पार्टी को, मुझे ना आप सेफोलॉजी को कितना सीरियसली लेते हैं मुझे नहीं पता। बहुत से लोग सर्वे वगैरह पर यकीन नहीं रखते। इस बार कई सर्वे, केवल हमारा नहीं, कुछ और सबने, मीडिया हाउसेस ने भी किए हैं, उसमें दिखा रहे हैं कि भाई एक साइजेबल चंक मुस्लिम वोट का जो है आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। नहीं तो यकीनन अगर ये सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि फिर यही केजरीवाल था जिसने कोविड की पहली वेव में तबलीगी जमात को बदनाम किया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुपर स्प्रेडर कहा, और हाईकोर्ट में जब केस गया तो उसकी झूठ को साबित कर दिया हाईकोर्ट ने। ये वही शख्स है जब इसके बिलकिस बानों से पूछा जाता तो मुंह नहीं खोलता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते तो मुंह नहीं खोलता। और ये वही मुख्यमंत्री जब दिल्ली जल रहा था, गो उनके पास लॉ ऑर्डर नहीं है मगर उनका काम था, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो नहीं करते हैं, नहीं बोलते हैं उसके बारे में कुछ। मुसलमान दिल्ली के इलाकों में जाकर बोलते हैं भाजपा को हराना है, और नॉन मुस्लिम एरिया में जाकर बोलते हैं कि मैंने आपके लिए क्लिनिक बना दिया। ये इनकी पॉलिसी है ये। नहीं, इन पर तो दिल्ली में बीजेपी ये इल्जाम ही लगाती है कि माइनॉरिटी अपीजमेंट करते हैं। कोई कोई देखिए, ये जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये 2013 के नरेंद्र मोदी हैं, अभी फिल वक्त ये उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। नहीं, इन्होंने ये तो टोपी खूब लगाते हैं, मोदी जी ने टोपी कभी नहीं लगाई। हाँ, नहीं टोपी ये हम पे पहनाते हैं, मोदी जी पहनते नहीं है, ये टोपी पहना देते हैं हम पे। अच्छा, अभी आपकी लेटेस्ट स्पीच पे उस पर क्लैरिफिकेशन भी हमको मिल जाए कि ये कसाब का जिक्र कहां से आया? आपने बोला, फिर आपने ये भी बताया, वारिस पठानिया बैठे हैं आपके, इनका नाम लेके बोला, बताओ मुंबई में उसको दफनाने की जगह नहीं। देखिए, जो हम मांडवी गए थे तो वहां पर भाजपा के कैंडिडेट ने, उन्होंने शुरू किया ये। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अजमल कसब, अजमल कसब, माने इनवेंडो यूज कर रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। हमने उनको ये समझाया, उनको क्लैरिफिकेशन नहीं दिया बल्कि उनको समझाया, उनको ज्ञान दिया कि जब अजमल कसब को पकड़ा गया, उसको हमारे देश के कानून के लिहाज से फांसी की सजा दी गई, जब उसको दफनाने की बात आई तो मुंबई के जितने मुस्लिम कब्रस्तान थे उन्होंने कहा कि हम इस आतंकवादी गद्दार देश दुश्मन को दफनाने हमारी मुबारक सरजमीन में नहीं देंगे। ये मुसलमानों का रवैया था। और भाजपा के जो अभी फिलवकत के कैंडिडेट वहां पर हैं, बोले जा रहे हैं। अरे आप आज के दिन बोलते 26/11 समझ में आता, वो तो बोले जा रहे हैं। अजमल कसब का जिक्र वो लेकर आए, हम नहीं लेकर आए, तो हम उनको बताना चाह रहे थे। अजमल कसब देश का दुश्मन था, आतंकवादी था, जो पाकिस्तान से आया और हाफिज सईद के बोलने पर इस देश में आकर देश की जनता को उसने यहां पर खून की होली खेली, मगर ये बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।